हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें जो nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या मतलब, थोड़े से घुमा सकते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं और आगे भी आने वाले हैं गारंटी। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, nth टर्म ऑफ एन एपी वाले ट्रिकी क्वेश्चन, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंस जाते हैं जबकि होते बहुत इजी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो होते बहुत इजी हैं। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको क्या, आपका विजन खुलेगा इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए, क्योंकि पेपर में तो आपके आने ही वाले हों, बस तो सकते नहीं हो। और हाँ, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, तीन ही तो फॉर्मूले हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, पहला ये रहा, दूसरा सम का है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और सम का एक और होता है एन बाई टू ए प्लस एल, है ना, वन टू, और ये तीन ही फॉर्मूले हैं। एनीवेज अभी जो हम करेंगे उसमें हम ज़्यादातर क्या, सम की बात नहीं करेंगे, सम वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे या आते रहे हैं वो हम देखेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उससे, ठीक है। तो अगर आपको ये इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व कर रखे हैं, देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना थोड़ा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन ऑफ द एपी इज थ्री टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो ये तो कुछ बच्चे तो इसकी जो लैंग्वेज है उसी में कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ दोबारा से आपको। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सी डी, सी डॉट डी, है ना, डॉट डी कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन से टर्म की बात हो रही है, नंबर ऑफ टर्म। और ए एन होता है एनथ नंबर ऑफ टर्म, एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने टर्म है एपी में, और ए एन होता है एनथ टर्म, मतलब अगर मान लो जैसे कोई एपी है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले वो सब समझो तभी आप क्वेश्चंस करना। तो ये जो ए एन की वैल्यू होती है ना, बेसिकली ये होती है कि जैसे अगर मान लो कोई एपी है 2 4 6 8, तो अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ ए वन क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो ए वन होगा टू। अगर मैं आपसे पूछूं ए थ्री क्या है, तो मतलब तीसरे टर्म की वैल्यू 6, तो ए थ्री की वैल्यू होगी 6। अगर मैं बोलूं आपसे ए फोर क्या है, यानी कि फोर्थ टर्म की वैल्यू 8। तो ये जो ए एन होता है ना, ये nth टर्म, nth मतलब जो भी नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू बताता है ए एन, ठीक है, समझ गया ना इस बात को। तो अब ये आपको फॉर्मूला अगर समझ आ गया तो हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो हमें जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस वो करते जाएंगे हम। तो लिखा हुआ है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। तो फोर्थ टर्म यानी एन की वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले में फोर्थ टर्म की बात कर रहा है और फोर्थ टर्म की वैल्यू बता दी जीरो, यानी ए फोर की वैल्यू इसने बता दी जीरो, कह रहा है ना फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, यानी ए फोर की वैल्यू जीरो। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मान लो कोई एपी है 2 4 6 8, इसमें अगर मैं ए सेकेंड बोलूँ तो आप क्या बोलोगे 4, ए थ्री बोलूँ तो आप क्या बोलोगे 6, थर्ड टर्म 6 ही है ना, ए फोर बोलूँ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म क्या है 8, ऐसे ही ना, ये ए ए एन मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है एपी का, कोई एपी है उसमें जो फोर्थ टर्म है वो जीरो है, तो इसका मतलब ए फोर की वैल्यू जीरो बता रहा है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं डालूं तो ए फोर की वैल्यू इसने जीरो बता दी, यानी एन की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि ए एन होता है ना ये, तो ए फोर की वैल्यू जीरो, एन की वैल्यू 4 है। अगर मैं यहाँ से एन की ए फोर की वैल्यू जीरो और एन की वैल्यू 4 यहाँ डालूँ तो क्या बनेगा हमारा, ए फोर की वैल्यू 0 0, ए हमें नहीं पता, एन हमें पता चला अभी 4 है, क्योंकि ए फोर की वैल्यू 0 है, यानी कि ये एन की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1, और ये डी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3D। तो ए प्लस 3D की वैल्यू 0। तो ये जो इसने इतना टर्म हमें बताया ना कि फोर्थ टर्म ऑफ ए पी 0, इससे हमारी ये इक्वेशन बन गई कि ए प्लस 3D इक्वल्स टू 0। क्या ये बात आपको समझ आई। तो अब मैं आपसे यहाँ से इस क्वेश्चन को भूलो, यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे बोले फिफ्थ टर्म, तो आप लिखना ए प्लस 4D। देख लो 5 में से 1 गया ना, 4 हो गया। जैसे यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो
ए प्लस थ्री डी, अगर मैं आपसे बोलूं सिक्स्थ टर्म तो उसको इक्वेशन में कैसे लिखोगे, ए प्लस फाइव डी, मतलब जितना टर्म है उससे एक कम करके डी के साथ जोड़ोगे, फाइव डी आ गया। अगर मैं आपसे बोलता सेवन्थ टर्म, या आप याद कर लो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, तो होगा ए प्लस सिक्स डी, मतलब इक्वेशन अगर लिखनी हो। अगर आपके सामने कोई बोले एट्थ टर्म तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस सेवन डी। अगर आपसे कोई बोले नाइन्थ टर्म तो क्या बनाओगे, ए प्लस एट डी, मतलब जितने टर्म है उससे एक कम करके डी के साथ। और ये आया कैसे, मैंने आपको बता दिया, अभी सॉल्व करके बताया ना ये कैसे आया ए प्लस थ्री डी, वैसे ही तो आएगा सब में, तो बार बार ये सॉल्व करके आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, ठीक है, चीज समझ आ गई। अब सॉल्व करो, अब देखो, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी जीरो, और जैसे ही फोर्थ टर्म बोला तो मैंने कहा क्या, फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस थ्री डी, उसकी वैल्यू है जीरो। आगे पढ़ो, प्रूव दैट द 25th टर्म, 25th टर्म यानी कि ए प्लस 24d, अभी समझाया ना मैंने, एक कम जितना भी टर्म है उससे एक कम करके डी के साथ ए, तो 25th टर्म मतलब ए प्लस 24d। तो आगे क्या क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट 25th टर्म, प्रूव दैट 25th टर्म यानी कि ए प्लस 24d, ए प्लस 24d ऑफ एन एपी इज थ्री टाइम, इज मतलब होता है इज इक्वल टू, वर्ड प्रॉब्लम में इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द 11th टर्म, 11th टर्म मतलब ए प्लस 10d, थ्री टाइम्स ए प्लस 10d। तो हमें बेसिकली ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, और हमारी हमें पता चल गया ये फर्स्ट, यहां से तो हमें ये पता चल गया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट पता चली थी कि ए प्लस 3d इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम ए प्लस 3d अगर हमारा जीरो है तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3d। अब हमें तो ये दोनों इक्वल करना है, तो बस इसको मैथमेटिकली हम नॉर्मली सॉल्व करते चलेंगे। तो ए प्लस 24d इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3a प्लस 30d, 3a प्लस 30d, हमें पता है a की वैल्यू क्या है, माइनस 3d, तो इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो माइनस 3d प्लस 24d। यहाँ पर भी a की वैल्यू अगर हम माइनस 3d पुट करें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3d यानी कि माइनस 9d प्लस 30d, तो ये कितना हो गया, 24 माइनस 3d यानी 21d, और यहाँ पर भी कितना हुआ, 30d माइनस 9d यानी 21d, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, और ये तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ ये जो कह रहा था ये इक्वल हो गया, तो प्रूफ हो गया। हेंस जो ये कह रहा था कि 25th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन से ये तो हमने प्रूफ कर दिया, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ आया, जब भी आपके सामने कोई टर्म लिखा हुआ, जैसे ऐसे लिखा हुआ कि 5th टर्म ऑफ एन एपी, ऐसे लिखा हुआ आपके साथ 5th टर्म ऑफ एन एपी, तो आपके दिमाग में एक इक्वेशन आनी चाहिए 5th टर्म यानी कि ए प्लस 4d, ये इक्वेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। आपके सामने कोई बोले 6th टर्म ऑफ एन एपी, 6th टर्म ऑफ एन एपी, तो फटाफट से आपके दिमाग में आना चाहिए ए प्लस 5d इक्वेशन। 7th टर्म ऑफ एन एपी, तो ए प्लस 6d, मतलब जितना टर्म बोल रहा है उससे एक कम करके डी से, डी के पास जोड़ोगे और ए प्लस 5d, मतलब ये इक्वेशन बनेगी। तो जब भी कोई भी ऐसे टर्म हो, क्योंकि इस तरह के टर्म वाले क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं बोर्ड्स में, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में आपके बोर्ड में आ रखा है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन से क्या आप लेके गए कि जब भी कोई टर्म लिखा हुआ हो तो आपके दिमाग में इक्वेशन बन जानी चाहिए। फिफ्थ टर्म बोले कोई, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी तो ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ऑफ एन एपी ए प्लस 5d, सेवन टर्म ऑफ एन एपी ए प्लस 6d, तो जैसे यहाँ पर बोल रहा था 25th टर्म ऑफ एन एपी, तो मेरे दिमाग में आ गया फटाक से ए प्लस 24d, फिर यहाँ बोल रहा था 11th टर्म ऑफ एन एपी, तो मेरे दिमाग में फटाक से आ गया ए प्लस 10d, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग में आना चाहिए, फिर आप सॉल्व करोगे, जो जो बोल रहा है वो करते जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल यानी बाद में वाला यानी कि 9 माइनस 4 5, तो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5, और फर्स्ट टर्म हमारा ए है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो 4। हमसे क्या पूछा, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी बता रखा है इस वाले एपी में 254। तो हमारे पास ये तीन इन्फॉर्मेशन है इस एपी से, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, मतलब एन इक्वल्स टू 10, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब यहां से जो दसवां, जैसे यहां से गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो एंड से लिखा मैंने, एंड से दसवां टर्म हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमारे फॉर्मूला तो ऐसा होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता होता था, नंबर ऑफ टर्म पता होता था, कॉमन डिफरेंस पता होता था, तो हम nth टर्म निकाल लेते थे। तो यहाँ पर nth टर्म हमारा 10th टर्म है, तो 10th टर्म हम निकाल तो लेते,
अगर हम इस नॉर्मली पूछते तो हम 10th टर्म आराम से निकाल लेते इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ डाल के, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि लास्ट से एंड से आपको 10th टर्म फाइंड करना, तो यार ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको ये जब भी लास्ट से आपको कोई टर्म फाइंड करने हो, जैसे यहाँ लास्ट से 10th टर्म फाइंड करना, जब लास्ट से बोले यानी कि एंड से बोले जब टर्म को फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, इसके लिए एक और फॉर्मूला हो जाता है आपका। वो फॉर्मूला कैसा होता है, एल माइनस एन माइनस वन डी। तो ये nth टर्म है, ये एल एल लास्ट से nth टर्म वाला, ये फर्स्ट से nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारा रेगुलर फॉर्मूला, यही हम यूज कर रहे हैं हर जगह। लेकिन अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ये बोर्ड में आ चुका है आपके 2011 में, कि अगर लास्ट से यानी एंड से हमें कोई nth टर्म फाइंड करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो अगर आप ध्यान से देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, प्लस की जगह माइनस आ गया आपका, यहाँ पर बीच में प्लस की जगह माइनस आ गया, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन डी है, यहाँ पर एल माइनस एन माइनस वन डी है, और जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पर एल लास्ट टर्म पूछ रहा है, बस इतनी सी बात है। तो ये फॉर्मूला याद करना भी इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम सबको याद हो गई, तो उससे रिलेटेड ये बस आप देख लो, यहाँ पर एंड से बात हो रही है तो यहाँ पर ए, जैसे इस फॉर्मूले में ए फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर एल यानी कि लास्ट टर्म लेंगे, और बाकी यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला। तो बस इसमें अप्लाई कर दो, आपका एंड से 10th टर्म पता चल जाएगा। तो एल 10 यानी एंड से 10वां, लास्ट से 10वां टर्म इक्वल्स टू एल लास्ट टर्म कितना हमारा 254, माइनस एन क्या है 10 है, माइनस वन डी क्या है 5 अभी निकाला हमने, बस आपका तो आंसर आ गया। तो 254, 10 माइनस वन कितना होता है 9, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, तो आपका आ गया आंसर 209, 254 माइनस 244 आता है, यहाँ लिख रहा हूँ 209, और ये आपका आंसर। तो मतलब जब यहां से हम गिनना शुरू करेंगे तो जो एंड से आपका 10वां टर्म होगा वो होगा 209, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, ये वाला फॉर्मूला, कि जब आप एंड से निकाल रहे हो nth टर्म तो आपको ये वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म नहीं लास्ट टर्म आप यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लें जल्दी से, चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत होना क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द थ्री डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। तो पहला थ्री डिजिट नंबर आप कौन सा है, हमें एपी बना लेते हैं पहले, फिर हमें नंबर ऑफ, ये बेसिकली पूछ रहा है तीन डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो कितने हैं टोटल, ये पूछ रहा है, फाइंड द नंबर कितने टोटल है तीन डिजिट वाले ऐसे नंबर जो 9 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। पहला जो थ्री डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है वो देखो, आप देखो पहले तो सबसे पहले देखो पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, पहला थ्री डिजिट नंबर 100 होता है, और 100 तो ये थ्री डिजिट है ना, 1 2 3 थ्री डिजिट नंबर है, तो ये पर ये तो 9 से डिविजिबल नहीं होता, हमें तो कह रहा है डिविजिबल बाय 9 से हमसे शुरू करना है। तो आप चेक करो 101 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 102 नहीं है, 03 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 104 नहीं है, 105 नहीं है, 106 नहीं है, 107 नहीं है, 108 देखो ये 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो 9 9 9 2 18 12 टाइम्स चला जाता है, यानी कि जो पहला थ्री डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल होता है वो हमें मिल गया 108, कौन सा है वो 108 मिल गया ना हमें। तो हमें एपी बन रही है हमारी, ये रहा 108, पहला नंबर हमें मिल गया 108, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड नंबर कौन सा होगा, सेकेंड नंबर होगा आपका 9, अब डिविजिबल पर 9 है ना, तो 9 9 का कॉमन डिफरेंस होगा सब में, जैसे टेबल भी हमारा चलता है, मान लो 9 का टेबल चलेगा, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो सब में 9 9 का ही तो फर्क होता है, तो डिविजिबल मतलब 9 9 का फर्क होना चाहिए। तो बस अब हमें हमारी एपी मिल गई, तो 108 के बाद 9 का फर्क वाला मतलब 108 प्लस 9 कितना होता है 117, उसके बाद 117 प्लस 9 126, तो हमें हमारी एपी मिल गई। तो ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होगा, लास्ट थ्री डिजिट नंबर होगा 999, और ये 9 से डिविजिबल है भी, क्योंकि उसके बाद 999 के बाद तो फिर फोर डिजिट नंबर आ जाएगा 1000, ये देखो 1 2 3 4, 1000 तो फोर डिजिट नंबर है ना, तो हमें हमारी एपी मिल गई। देख लो ये जो इसने कंडीशन बोल रखी थी कि थ्री डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, तो हमें ये एपी मिल गई। तो ये पूछ रहा है ऐसे टोटल कितने नंबर है, फाइंड द नंबर। तो अगर आप हमारा फॉर्मूला जो है, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इस वीडियो में, an is equal to a plus n minus 1d, बस इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर, नंबर यानी हमें क्या फाइंड करना है, n, n फाइंड करना है हमें, और बाकी सारी चीज़ हमें दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है, ये रहा मतलब हमने ap जो बनाई उससे पता चल गया हमें a 108, d कॉमन डिफरेंस 9 का डिविजिबल है तो d कॉमन डिफरेंस हमें 9 है, करके भी देख लो कोई भी दो नंबर उठा लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो तो 9 मिलेगा, जैसे दो नंबर उठाए 117 माइनस 108 9 आ जाएगा, ठीक है, d मिल गया हमें, a n
एनथ टर्म कौन सा है? ये ए एन, ये होगा एनथ टर्म। ए एन क्या होता है? एनथ टर्म। तो ये मिल गया ठीक है। और एन यानी कि नंबर ऑफ, कितने नंबर, एन मतलब क्या होता है, कितने टर्म है एपी में, एन मतलब कितने टर्म है, कौन से टर्म की बात हो रही है, कितने टर्म है, तो एन हमें फाइंड करना है। तो बस हमें ये सारी चीजें पता है, वैल्यू डालो और एन निकाल लो बस फॉर्मूले में, बस इतना ही काम है। तो बस अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ए एन ट्रिपल नाइन इक्वल टू ए 108 प्लस एन हमें नहीं पता, -1 डी हमें पता है 9, बस इसको सॉल्व कर दो, 9 और एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। कर लो सॉल्व फटाफट। तो सबसे पहले मैं इस 108 को उधर भेजूंगा, माइनस हो जाएगा, तो ट्रिपल नाइन माइनस 108 होगा आपका 891, 891। उसके बाद आपको बचेगा एन माइनस वन और 9 को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हो रहा है डिवाइड 9 को, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81, हाँ हो जाएगा। तो ये 891 बाई 9 इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो ये कितने टाइम जाएगा, 98 जा 99 जा 81, 81 99 आ गया। तो 99 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये वन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 99 प्लस वन, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ एन इक्वल टू 100, मतलब टोटल 100 टर्म है ये, आपका आंसर आ गया 100। ये तो पूछ रहा था ये, ठीक है समझ आ गया ना बात। नेक्स्ट देख लो, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो हमें ये एपी दे रखा है और हमसे पूछ रहा है इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, सबसे बीच वाला टर्म कौन सा होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें टोटल टर्म कितने हैं, मतलब एन, जैसे भी प्रीवियसली हमने एन की वैल्यू फाइंड की ना वैसे ही फाइंड करेंगे। तो हमें क्या क्या पता है, ए पता है फर्स्ट टर्म 6 है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस देख लो, कोई भी दो टर्म उठा लो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो पहले के दो ही उठा लेता हूँ, फाइनल कौन सा होता है बाद में वाला। 13 माइनस 6 कितना होता है 7, तो डी आ गया हमारा 7, कॉमन डिफरेंस मिल गया 7 ठीक है। तो बस हमारा ये जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें डाल के हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, फिर मिडिल टर्म हमें पता चल ही जाएगा। तो कितने टर्म है इस एपी में पहले वो दिखा लेते हैं। तो ए एन क्या होता है, ए एन लास्ट वाला टर्म 216, ए एन मतलब लास्ट वाला टर्म नहीं होता है, ए एन मतलब एनथ टर्म। तो यहाँ पर ए एन हमारा एनथ टर्म है, मतलब एन मतलब लास्ट टर्म है इस केस में। तो बस अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ए एन की जगह 216, ए की जगह 6 प्लस एन हमें निकालना है, डी की जगह 7, बस इसको सॉल्व कर दो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 पहले उधर जाके माइनस कर दूंगा तो 210 हो जाएगा, और एन माइनस 1 7, फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 30 टाइम जाएगा, और ये 1 को उधर भेज दे, आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर लेना ठीक है, एन की वैल्यू आ जाएगी 31। तो मतलब ये टोटल इस एपी में 31 टर्म है, तो 31 टर्म यानी बीच वाला टर्म कौन सा होगा, 15 यहाँ होंगे 15 यहाँ होंगे 30 हो गए, तो ये बीच वाला टर्म 16वां होगा, समझ आ रहा है ना। 31 अगर कोई नंबर ऐसे 31 है, टोटल 31 है, तो बीच वाला टर्म तो 16th टर्म वाला होता है ना, बीच वाला भाई 31 का बीच वाला हिस्सा कौन सा है, अगर 31 तक नंबर खींचे हुए तो बीच वाला 16 ही होगा। देखो 15 इस साइड, 15 इस साइड 30, और बीच में आपका 31, ये 16th नंबर। तो इसका जो मिडिल टर्म है वो है 16th टर्म, 16th टर्म इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी। तो 16th टर्म इस एपी का मिडिल टर्म है, 16th टर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी nth टर्म, यहाँ पर nth टर्म है, इसकी वैल्यू बताओ आप 16th टर्म की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने क्या बोला, nth टर्म जब भी हो तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था अगर 7th टर्म हो तो a प्लस 6d, ये बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चंस में, 6th टर्म हो तो a प्लस 5d, ये क्वेश्चंस दिमाग में आ जाने चाहिए आपको। तो यहाँ पर 16th टर्म की वैल्यू, मतलब जब भी हमें किसी टर्म की वैल्यू बतानी हो तो आपको ये फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए, और ये आता इसी फॉर्मूले से है ये। तो 7, यहाँ पर 16th टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 15d, वैल्यू निकालनी है ना हमें 16 टर्म की, तो a प्लस 15d। तो बस वैल्यू पुट कर दो, a की जगह यहाँ पर 6, d की जगह यहाँ पर 7, आंसर आ जाएगा आपका। तो ए की जगह 6 डाला प्लस 15, डी की जगह 7 डाला, बस 15 इंटू 7 होता है 105, 105 प्लस 6 होता है 111, 111 इसका आंसर है, यानी कि जो बीच वाला टर्म होगा, जो 16वां टर्म है, उसकी वैल्यू होगी 111, इसका आंसर है। समझ आ रहा है ना आपको ये सब, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कंफ्यूज हो रहे तो नीचे जरूर बताना मुझे। नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 20 एंड इट्स 13th टर्म इज 32, फाइंड द एपी। तो हमें यहाँ पर कह रखा है जो सेवन्थ टर्म है उसकी वैल्यू है 20, और जो 13th टर्म है उसकी वैल्यू है 32, और हमें कह रहा है एपी बताओ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी टर्म की वैल्यू बता रखे हो, जैसे सेवन्थ टर्म है तो सेवन्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 6d, 13th टर्म की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 15d,
12d, ये मैंने आपको बताया पीछे कि कैसे होता है ये, और ये आता भी इस फॉर्मूले से ही है, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, इसी फॉर्मूले से आता है हमारा। तो ये बस आप याद रख लो, जैसे भी कोई टर्म हो, सेवन टर्म फिफ्थ टर्म, तो आपको ये दिमाग में इक्वेशन आ जानी चाहिए। अगर सेवन टर्म की वैल्यू बोल रहा है यानी ए प्लस 16, 13 टर्म की वैल्यू बोल रहा है यानी ए प्लस 12d, तो बस यहाँ पर क्या रखा है, सेवन टर्म की वैल्यू है 20, तो मुझे पता है ये होती है वैल्यू, तो ए प्लस 16 की वैल्यू आ गई 20। 13 टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32, यानी ए प्लस 12d की वैल्यू कितनी है, 32, ए प्लस 12d की वैल्यू हो गई 32। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, हमें एपी बनाना है। अच्छा, किसी भी चीज कभी भी एपी बनानी हो तो हमें दो चीजें मिल जाए तो एपी बन जाएगा, एक तो फर्स्ट टर्म और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी अगर हमें पता चल जाए तो हम एपी बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर पता चल जाए फिर डी कॉमन डिफरेंस ऐड ऐड करके या फिर माइनस माइनस करके जो भी कॉमन डिफरेंस है वो करके हम एपी बना लेंगे, कोई कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो हमें ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो हम एपी बना लेंगे। तो हम ये जो इक्वेशन हमारी दो बनी है इससे हम ए और डी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करूं, सेकंड माइनस फर्स्ट करूं, तो ये ए में से ए गया, 12d माइनस 6d 6d, 32 माइनस 20 12 आ गया, तो यहां से d की वैल्यू आ गई 12/6 6, तो d तो हमें मिल गया 6, एक चीज तो मिल गई, देखो d की वैल्यू मिल गई 6, और a a भी मिल जाएगा। जब d की वैल्यू मिल गई 6 तो अब इन दोनों इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, चाहे फर्स्ट वाली में कर दो चाहे सेकंड वाली में कर दो, d की वैल्यू 6 तो a भी आ जाएगा। तो मान लो मैं फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाली में मैं डी की वैल्यू 6 पुट कर रहा हूँ, तो ए प्लस डी की वैल्यू पुट करी 6, तो 6 इंटू 6 36 टू 20, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 36 कितना होता है, 20 माइनस 36 माइनस 60, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई, मैं कुछ तो गलती करी है मैंने, हाँ 60 इक्वल टू 12, तो डी इक्वल टू 12/6 2 होगा। देखो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन में कई बार गलती भी हो जाती है, तो यहाँ डी की वैल्यू 2 आएगी, डी की वैल्यू 2 आएगी। अब ये दोबारा से पुट करेंगे हम, तो ये डी की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे इसमें फर्स्ट वाली में, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। डी की भैया 60 इक्वल टू 12 है, तो 12/6 2 होगा, तो डी की वैल्यू 2 होगा, मैंने 6 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें एपी के लिए ए और डी दोनों चाहिए, तो डी तो मिल गया हमें 2, अब ए भी चाहिए, तो यहाँ पुट कर रहे हैं हम डी की वैल्यू, यहाँ कर रहे हैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ पिंक से, ए हमें चाहिए एज इट इज, डी की वैल्यू 2 पुट करी तो 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 20, तो ए की वैल्यू हो गई, या 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 8, तो ए की वैल्यू आ गई 8, तो ए की वैल्यू भी मिल गई हमें, डी की वैल्यू भी मिल गई। अब एपी बनाने में कितना ही टाइम लगेगा, बना दो बस एपी। तो देखो मैं ये एपी बना रहा हूँ, पहला टर्म 8 है तो 8, कॉमन डिफरेंस क्या है, दो दो है, यानी दो दो का गैप लेकर चल रहा है, तो 8 के बाद 2 10, 10 के बाद 2 12, 12 के बाद 2 14, 14 के बाद 2 16, 16 के बाद 2 18, 18 के बाद 2 20, ये ऐसे एपी हमारी बना दिया हमने एपी। तो क्या होता, फाइंड द एपी, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी आप ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ भी सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं आ रखा है, जैसे ये क्वेश्चन भी 2012 में आ रखा है बोर्ड में, तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन इसी टॉपिक पे इन्हीं मैथड्स पे आपके क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कब करना, जब आप पहले एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू ये सब देख लेना, उसके बाद फिर ये जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और भी बहुत वीडियोस बना रखी है मैंने, उसमें इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड के लिए मैंने तैयारी करवाई थी, तो उसमें सारे एपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा रखे थे, आप प्लेलिस्ट जरा